आज हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह के बैक टू बैक चुनावी कार्यक्रम है, करनाल कलायत और भिवानी में चुनाव प्रचार करेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हरियाणा दौरे पर रहने वाले हैं, करनाल के घरौंडा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह पूर्वी मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। कलायत में दोपहर 1 बजे राजनाथ सिंह की रैली होगी, रैली को लेकर के सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा में चुनाव प्रचार करेंगे भारतीय जनता पार्टी के लिए। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं और अलग अलग जगहों पर उनके कार्यक्रम हैं, उनके साथ में पूर्व सीएम मौजूद रहने वाले हैं और सीएम नायब सैनी भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी उनके साथ मौजूद रहने वाले हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हरियाणा के दौरे पर रहने वाले हैं और हरियाणा में उनके बैक टू बैक का कार्यक्रम है। उनके साथ सीएम नायब सैनी और पूर्व सीएम मनोहर लाल भी मौजूद रहने वाले हैं। करनाल के घरौंडा में जनसभा करेंगे राजनाथ सिंह। कलायत में दोपहर 1 बजे राजनाथ सिंह की रैली होगी, रैली को लेकर के सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम यहां पर किए गए हैं। आज हरियाणा दौरे पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, आज कई कार्यक्रम हैं हरियाणा में बीजेपी की ताबड़तोड़ रैलियां। पूर्व सीएम मनोहर लाल और सीएम नायब सैनी भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ मौजूद रहेंगे। कलायत में दोपहर 1 बजे राजनाथ सिंह की रैली। मनोज मलिक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं अधिक जानकारी के साथ। मनोज, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? राजनाथ सिंह आज पहुंच रहे हैं बीजेपी के स्टार प्रचारक के रूप में और यहां पर बीजेपी के लिए चुनाव प्रचार करेंगे। बिल्कुल, देखिए एक बड़े का समय रखा गया है। प्लेट के जो अनाज मंडी है वहाँ पर जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह वहाँ पर पहुंचेंगे, उनके साथ बताया जा रहा है कि सीएम नायब सैनी के साथ में पहुंचेंगे और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी साथ में पहुंच सकते हैं। और जो कार्यक्रम है एक बजे रखा गया, जिसको लेकर जो सभी तैयारियां पूरी चली गई है, जिला प्रशासन द्वारा भी पुख्ता प्रबंध कर दिए गए हैं, क्योंकि सुरक्षा का मामला को लेकर क्योंकि रक्षा मंत्री है उसको लेकर एसपी द्वारा भी दौरा किया गया था। वहाँ पर लगभग बात करें तो 8 से 9 जो नाकेबंदी वहां पर कर दी गई है, ताकि कोई भी साथी तत्व वहां पर एंट्री ना कर सके। और बात करें तो ट्रैकिंग के लिए कार्यकर्ता की बात करें, आम आदमी की बात करें तो एंट्री पंडाल के अंदर रैली के अंदर एंट्री करने से पहले वहां पर ट्रैकिंग के लिए जो मशीन है वो लगा दी गई है, ताकि कोई भी हथियार लेकर या अवैध हथियार लेकर अंदर एंट्री ना कर सके। तो बता दें कि नवीन जिंदल प्रत्येक लोकसभा से बीजेपी के प्रत्याशी के रूप में खड़े हैं और प्रत्याशी के दौरान जो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह है वो आज उनके पक्ष में वोट की अपील करने के लिए भी आएंगे। उससे पहले उसके बाद एक मीटिंग का आयोजन भी किया जाएगा, जिसमें जो भी नाराज कार्यकर्ता उनको मनाने का काम किया जाएगा। और बता दें कि काफी ऐसे बड़े बड़े दिग्गज नेता भी रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ वहां पर मौके पर पहुंचेंगे और एक बड़ी जो जनसभा को संबोधित भी करेंगे। हजारों की संख्या में वहां पर जो कार्यकर्ता वहां पर पहुंचेंगे और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की जो विचार है उनको सुनने का काम किया जाएगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आज रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यहां पहुंच रहे हैं, उनके दौरे को लेकर के विशेष इंतजाम भी यहां पर किए जा चुके हैं, सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और